क्या योगी सरकार से हम लोग या जनता यह अपेक्षा करे हम लोगों को मार दिया जाए? जनप्रतिनिधि नहीं सुरक्षित है। मैं अभी आप लोगों को ज्यादा बातें तो हमारी विधायिका जी करेंगे, लेकिन हम उनके कैंडल की उनके पूरे परिवार की है जिसमें डीएम की मोहर लगी है, जो उन्होंने हलफनामा कोर्ट में दिया उसे सभी फोटो कॉपी करवा के लाए आप लोगों को देंगे। इसके अलावा हम आप लोगों के माध्यम से एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ कि हम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए विशेष तौर से आप लोग लिखिएगा, निवेदन करते हैं, क्योंकि हम लोगों को आए दिन धमकियां मिल रही है, आए दिन हम लोगों को किसी न किसी माध्यम से सुलह होने के लिए हम लोगों को हर तरह का प्रताड़ित किया जा रहा है। आप लोगों से निवेदन करेंगे कि आप लोग थोड़ा सा हमारा सहयोग करें, क्योंकि सरकार सहयोग नहीं कर रही है, इसलिए आप लोगों के समक्ष हम दीदी के माध्यम से आए हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि कुछ आप लोगों के से ही हो सकता हम लोगों को लाभ मिल जाए, हम लोगों को सुरक्षित हो जाए, हम लोगों की जान बच जाए। उनके संज्ञान में मामला है, उनके संज्ञान में मामला है। आप एजे एमएलए और उस सदन के नेता हैं, आपने अपनी बात क्या मुख्यमंत्री से भी रखी है पहले? मैंने उनको लिखित में बहुत बार दिया है कि सर ऐसे हो रहा है, पर जब सत्र चालू होगा तब मैं सबके सामने अपनी बात पेश करूंगी खुले। आपको जहाँ अपने जन प्रतिनिधियों की जान की चिंता नहीं है तो बाकी और सामान्य महिला कैसे मतलब अपना पूरा काम करती होगी, कैसे चलती होगी, वो तो मैं सोच ही नहीं सकती। जब एक विधायक होगी मुझे 100 बार सोचना पड़ता है, जैसे अभी मेरी भैया ने आपको बताया, मेरे भाई ने बताया, ये लोग काली स्कॉर्पियो में चलते हैं, ना कोई नंबर गाड़ी का। जिला पंचायत सभागार जो जिला पंचायत एक गेस्ट हाउस टाइप का होता है, वहाँ ये लोग सब रुकते हैं, सरकारी प्रॉपर्टी। तो मतलब पूरी तरीके से जैसे पहले हुआ करता था 50 साल पहले, प्रॉपर गुंडा राज, प्रॉपर मतलब जो नेता है जो उसका जो मन आ रहा है वो करे, कोई कुछ नहीं देखता है। डीएमएससी को मैं फोन कर करके थक गई। अब तो मतलब मैं मजाक में कहती हूँ, अगर मुझे किसी के लिए फोन मिलाना होता है एससी को, मान लीजिए कोई आता है अपना याचिका देके, तो मैं हमेशा कहती हूँ सर मेरा तो आप कुछ कर नहीं सकते, कम से कम इनका तो दिखा लीजिए, मेरे में तो आपकी औकात है नहीं कुछ करने की। तो मतलब इट्स बिकम अ लाफिंग स्टॉक, इट्स बिकम अ नॉट अ लाफिंग स्टॉक। दिल्ली की जनता से अगर आप पूछे तो पुलिस को देख के हंस रहे हैं, ये क्या होता है? ये दया वाला जो आपने लिखा है, रंजिश निकली थी कुछ प्रधानी का चक्कर था, ऐसी चीजों को टाइट टुगेदर। मुझे इतना दुख होता है जब हम लोग इसकी बात कर रहे थे, इतना गंभीर होता है, बार बार लोग उससे टाइम करते हैं, वो अलग होता है, उसका पूरा पूरी तरीके से खुलासा खुद पुलिस कर चुकी है। इस मामले में जब मीडिया पुलिस अधिकारी सब कुछ थी, तो पुलिस अधिकारी चाहते हैं जिसमें विवेचना चल रही है, जैसे एक तो आपके कांग्रेस पार्टी में ही पहले थे जो उसमें अभियुक्त है, तो दूसरे पार्टी में चले गए, उनके लिए भी हम लोग पूछते हैं कि उनकी अरेस्टिंग हुई नहीं हुई, तो बताते हैं कि इसको विवेचना चली, अभी तक उसमें उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला। ऐसा नहीं लगता पुलिस को दस मिली हुई ऐसा कुछ, साक्ष्य तो बैठे हुए या क्या करेंगे, हाथ पैर दबा के बैठे, इससे बड़ा साक्ष्य चाहिए। इसे कहते गुंगी दादी सरकार, मैंने अभी कहा गुंगी दादी सरकार, देखती नहीं क्या गाड़ी की हालत देखी आपने, मेरी गाड़ी की हालत देखी कैसे मैं उसे जिंदा निकल आई, आई स्टिल डोंट नो, मेरे माता पिता का लाठी डंडों से पीटा गया, हाथ पैर टूटे गए, यहाँ तक और टोल प्लाजा का जो वीडियो था सीसीटीवी, वो तो सरकारी था, वो सरकारी, मेरे घर का नहीं था। दूसरा उसके बाद भी जिन अभियुक्तों की जमानतें हुई हैं वहां पर सीएमएस ने कहा कि ये केवल मतलब खरोंचे आए थे उसके लिए, खरोंचे बताया गया है, इसलिए उनकी जमानतें हो गई। ये है सरकार का दबाव। विवेचना में कहा जाता है कि उसके जी ने बयान दे दिया है, हमारे पास कोई अंतर बयान लेने ही नहीं आया, ये भी लंबना है। तो किसके इशारे पे सब चल रहा है? नहीं वो तो बताया मैंने, मेरे हिसाब में दोनों तरफ लाठ फूटे पड़ी हुई है, इसमें एक तरफ टकोरी टूटी हुई है, पैर में 3 जगह फ्रैक्चर है, लाठ दो पड़े हुए हैं। दूर में जो आपके साथ इतना में क्या हुआ, कब तक आपने क्या कार्रवाई हुई, किस तरह से प्रदेश सरकार से आपको सहायता मिली? भाई साहब अभी तक जो घटना घटित हुई थी 14 मई को, उसमें ज़्यादा कोई एक्शन नहीं हुआ है,
बस कुछ अज्ञात व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी और वो भी 10 दिन के अंदर छूट आए, बेल पे छूट आए। और जो नामदर्ज व्यक्ति थे, जो सारे हिस्ट्री शीटर्स हैं, जो जिनकी सबकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, चाहे वो दिनेश सिंह हो, गणेश सिंह तो मर्सी पिटिशन पे बाहर है, मर्सी प्ली पे बाहर हैं, अवधेश सिंह हो, उनके साथ जो चल रहे थे अभिषेक सिंह, बच्चा सिंह वगैरह, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है दूर दूर तक। बल्कि मतलब पुलिस आराम से घूमती रहती है, वो लोग भी आराम से रायबरेली में घूम रहे हैं और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जबकि एक विधायक पे हमला हुआ, इतने जिला पंचायत सदस्यों पे हमला हुआ, एक दो जिला पंचायत सदस्य तो बस बाल बाल बचे। आपके सामने अभी आपने देखा होगा राकेश अवस्थी जी बैठे हैं, जिनकी पता नहीं अनगिनत सर्जरीज हो चुकी हैं आज तक, और अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब इट्स अ जोक। अगर आप रायबरेली हैं तो मतलब सब लोग वहाँ की पुलिस और कानून व्यवस्था पे हंस रहे हैं कि भाई जब विधायक हमारी महिला सुरक्षित नहीं है तो बाकी लोगों का क्या कहा जाए। मजाक बना के रख लिया कानून व्यवस्था। 100% सरकार का, वो भाजपा के MLC हैं, चुनाव लड़े थे लोकसभा का, उनके भाई वगैरह भाई बंधु भी भाजपा में हैं, तो 100% पहले कांग्रेस में थे, उसके पहले सपा में थे और उसके पहले बसपा में थे, ये तो उनका धंधा है। पर सरकार को तो कम से कम समझना चाहिए सही क्या है, गलत क्या है, किसने हमला किया था, और बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पता नहीं किस तरीके से किस कारण के लिए वो उन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। इस तरीके से सरकार कहती है कि हमने जो हमने अपराध पर नकेल कस दिया, तो क्या ये पूरी तरीके से कानून व्यवस्था आप लोगों को खुद दिख रहा है पूरी तरीके से ध्वस्त हैं। जहां आपके इलेक्टेड लीडर्स जनप्रतिनिधि जहां सेफ नहीं है, चाहे वो विधायक हो, वो भी एक महिला विधायक जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं महिलाओं को बढ़ाने का, महिलाओं का उत्थान करने का, महिला नेत्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में लाने का, बेटियों को पढ़ाने का बढ़ाने का, हम लोगों पे ऐसे अटैक हो रहे हैं, आप लोग गिरफ्तारी तक नहीं कर सकते, गिरफ्तारी तक नहीं कर सकते। सोचिए, बेल वगैरह तो बात की बात है, और बल्कि कोर्ट के माध्यम से इन्होंने 2 writ petitions फाइल करी थी कि अभिषेक सिंह, बच्चा सिंह, जो अन्य लोग थे, कि इनकी गिरफ्तारी ना हो, और वो रिट पिटिशंस डिसमिस हो गई थी। यानी कोर्ट ने भी अपनी तरफ से कह दिया कि नहीं भाई, ऐसे बेल वेल का कोई मतलब नहीं है, इन लोगों को तो गिरफ्तार होना ही है। उसके बाद भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, सरेंडर तक उन लोगों ने अभी तक नहीं कराया।